बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस में पैरामीटर्स क्या होते हैं और पैरामीटर क्यों और किस तरह से यूज किए जाते हैं इसकी डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन से क्या मुराद है इसको आपको डिटेल में बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फंक्शन की डेफिनेशन पर अगर आप गौर करें तो अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक्स इनपुट्स परफॉर्म सम कंप्यूटेशन एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। यानी फंक्शन को आप इनपुट देते हैं, फंक्शन उस इनपुट दिए गए डेटा पर कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है और उस कंप्यूटेशन के रिजल्ट में फंक्शन एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लेकिन दोस्तों, उस आउटपुट की कोई हैसियत नहीं है जब तक कि वो सिंगल आउटपुट आप रिटर्न ना कर दें, वापस ना भेज दें उस जगह पर जहां पर उस फंक्शन को कॉल किया गया था। और यहाँ ये तो आपको पता लग गया कि फंक्शन रिटर्न से क्या मुराद है, लेकिन फंक्शन रिटर्न टाइप क्या होती है? तो डियर फ्रेंड्स, फंक्शन रिटर्न टाइप से मुराद है कि जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे होते हैं कॉलिंग फंक्शन को, कॉलिंग स्टेटमेंट को, उसकी डेटा टाइप क्या है, ये चीज कहलाती है फंक्शन रिटर्न टाइप। क्योंकि दोस्तों, फंक्शन ने जो आउटपुट के तौर पर वैल्यू प्रोड्यूस की है वो कोई इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, कोई फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है और कोई चार वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ आपको फंक्शन को बनाते वक्त सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि जो आउटपुट वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी। जैसे आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन नेम से पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं, तो वो डेटा टाइप दरअसल आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, जो कि ये बताती है कंपाइलर को कि फंक्शन किस किस्म की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और डियर फ्रेंड्स, आम तौर पर फंक्शन चार तरह की वैल्यू को रिटर्न करता है, इंटीजर, फ्लोट, चार और स्ट्रिंग। अगर आपका फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा तो फंक्शन नेम से पहले आप इनका कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका फंक्शन कोई अशारीय वैल्यू रिटर्न करेगा तो आप फंक्शन नेम से पहले फ्लोट के कीवर्ड का यूज करेंगे। और अगर आपका फंक्शन कोई करैक्टर रिटर्न करेगा तो आप फंक्शन नेम से पहले चार के कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आपका फंक्शन ग्रुप ऑफ करैक्टर्स यानी स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा तो आप फंक्शन नेम से पहले स्ट्रिंग के कीवर्ड को यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हो, तो तब आप फंक्शन नेम से पहले void के कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कंपाइलर को ये बताएगा कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अब आइए देखते हैं कि जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है तो वो किस तरह से काम करता है। दोस्तों याद रखिए, void के अलावा आप कोई भी डेटा टाइप फंक्शन नेम से पहले लिख सकते हैं, और इसीलिए फिर आपको फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न के कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से आप सबसे पहले रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में वो वैल्यू होगी जो कि आप भेज रहे होंगे उस जगह पर जहां पर वो फंक्शन कॉल हुआ था, और आखिर में आप टर्मिनेटर के जरिए इस स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। और दोस्तों, इस रिटर्न स्टेटमेंट को अपने फंक्शन में इस्तेमाल करने के आपको के दो पर्पसेस होते हैं। नंबर वन इज कंपाइलर एग्जीक्यूटिंग इट इमीडिएटली एंड ट्रांसफरिंग कंट्रोल फ्रॉम द फंक्शन बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। यानी फंक्शन डेफिनेशन में जहां कहीं भी आपने ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखी होती है तो कंपाइलर इसको फौरन एग्जीक्यूट करता है, और इस रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने पर प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्ट जंप कर जाता है इस कॉलिंग फंक्शन पर। और ये इसका दूसरा पर्पस देखिए, व्हाटएवर इज इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इज एक्चुअली रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन। यानी दोस्तों, रिटर्न स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते ही कंट्रोल तो जंप करेगा ही कॉलिंग फंक्शन पर, साथ के साथ रिटर्न स्टेटमेंट के पास जो रिजल्ट होगा, जो वैल्यू होगी, वो भी ट्रांसफर कर देगा, वो भी भेज देगा इस कॉलिंग फंक्शन को। मिसाल के तौर पर दोस्तों, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने दो नंबर्स को हम सम करवा रहे हैं, तो जैसे ही कंट्रोल इस रिटर्न स्टेटमेंट पर आएगा तो वो m प्लस n की वैल्यूज को ऐड कर देगा, और ऐड करने पर जो भी वैल्यू आएगी रिजल्ट के तौर पर वो भेज देगा इस कॉलिंग फंक्शन को। यानी कंपाइलर सबसे पहले रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है इस कॉलिंग स्टेटमेंट पर। इसीलिए हम आमतौर पर रिटर्न स्टेटमेंट को
फंक्शन डेफिनेशन में सबसे आखिर में लिखते हैं, ताकि अगर हम बीच में कहीं फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट को लिख देते हैं तो कंट्रोल जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट पर आएगा तो रिटर्न स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट करते ही कंट्रोल जंप कर जाएगा कॉलिंग फंक्शन पर, और अगर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद मजीद कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी तो उन्हें स्किप कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट को तब यूज किया जाता है जब आप श्योर हो कि आपको आपके फंक्शन का रिजल्ट मिल गया है और अब बस इस रिजल्ट को सेंड करना है कॉलिंग स्टेटमेंट को, तब हम रिटर्न स्टेटमेंट को फंक्शन डेफिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिए दोस्तों, जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं आप उसको तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, आप उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के साथ यूज कर सकते हैं, और आप उसको आउटपुट स्टेटमेंट यानी प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं। तो आइए इनको बारी बारी प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन ऐड के नाम से बनाया है। सबसे पहले हमने उस फंक्शन को डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर के बाद हमने मेन के फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि आपका कंपाइलर टॉप टू बॉटम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले कंपाइलर जो है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा इंट ए कॉमा बी कॉमा सम, यानी यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं ए बी और सम के नाम से। उसके बाद हमने इन वेरिएबल्स के अंदर ए और बी में वैल्यू स्टोर करवाई है 10 और 20। अब जब कंपाइलर इस फोर्थ स्टेटमेंट पर आएगा तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है सम इक्वल्स टू ऐड ए कॉमा बी, और आप देख सकते हैं कि ये एक कॉलिंग स्टेटमेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब भी कंपाइलर कॉलिंग स्टेटमेंट को इनकाउंटर करता है तो उस फंक्शन की जो भी डेफिनेशन होती है ये उस पर जंप कर जाता है, और इस ऐड के फंक्शन की डेफिनेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है तो कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर जाएगा और इस ए और बी में जो भी वैल्यूज होंगी यानी ए और बी जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यूज हैं 10 और 20, सबसे पहले उनको कॉपी कर देगा एम और एन के अंदर, और एम और एन में कॉपी करने के बाद कंपाइलर इन पैरेंथेसिस में आएगा, कर्ली ब्रेसेस में आएगा, और कर्ली ब्रेसेस में आते ही ये इनकाउंटर करेगा रिटर्न स्टेटमेंट को। अब दोस्तों आप जानते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट के दो पर्पसेस होते हैं, ये सबसे पहले कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करता है, और यहाँ एग्जीक्यूट करने से मुराद है कि इस m और n के अंदर जो भी वैल्यूज पड़ी होंगी सबसे पहले उनका सम करेगा। सम करने के बाद जो इसका दूसरा पर्पस होता है ये कंट्रोल को वापस भेज देता है इस कॉलिंग स्टेटमेंट पर। तो यहाँ पर ये इस m और n को प्लस करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ ही कंट्रोल को भेज देगा इस वाली स्टेटमेंट पर जहां पर ये फंक्शन कॉल हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों एड ए कॉमा बी नहीं है बल्कि अब वो वैल्यू है जो कि आपके इस फंक्शन ने रिटर्न की है विच इज 30। अब यहाँ पर ये 30 वैल्यू जो है हम असाइन कर देंगे इस सम वेरिएबल को। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये पता लगा कि रिटर्न स्टेटमेंट काम कैसे करती है, साथ के साथ जो भी रिटर्न वैल्यू होती है आप उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उस वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका कंपाइलर इस प्रिंटएफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और प्रिंटएफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से इसको एक और स्टेटमेंट मिलेगी सम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एड ए कॉमा बी, यानी दोबारा से आपका फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन इस बार फंक्शन कॉल के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाया है 2 को, यानी दोस्तों अब दोबारा से वही प्रोसीजर सब होगा, दोबारा से रिटर्न वैल्यू मिलेगी 30, वो यहाँ पर इसको कंट्रोल जो है यहाँ पर जंप कर जाएगा उस वैल्यू 30 के साथ, लेकिन अब इस 30 वैल्यू को जो कि रिटर्न की गई है इस फंक्शन ने उसको आपने मल्टीप्लाई करवाया है 2 से, विच मींस के आप रिटर्न वैल्यू को किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा था कि आप रिटर्न वैल्यू को आउटपुट स्टेटमेंट यानी प्रिंटएफ के अंदर भी यूज कर सकते हैं, तो अब जब आपका कंट्रोल इस प्रिंटएफ स्टेटमेंट पर आएगा तो दोबारा से उसको एक कॉलिंग स्टेटमेंट मिलेगी, फंक्शन दोबारा से कंट्रोल यहाँ पर भेज देगा, दोबारा से रिटर्न स्टेटमेंट इनकाउंटर होगी, और रिटर्न स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते ही वैल्यू 30 जो है ये रिटर्न स्टेटमेंट भेज देगी इस ऐड की स्टेटमेंट पर यानी इस कॉलिंग स्टेटमेंट पर, विच मींस के आप अपने रिटर्न वैल्यू को किसी भी आउटपुट स्टेटमेंट यानी प्रिंटएफ की स्टेटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये रिटर्न का कीवर्ड वर्क करता है, और रिटर्न से आने वाली वैल्यू को आप इन तीन स्टेटमेंट्स यानी असाइनमेंट स्टेटमेंट, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, स्कोप ऑफ द वेरिएबल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।